बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम अपना जो चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे वो है ह्यूमन राइट्स। और इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया था कि व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स, और यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन है वो क्या है। और आई होप कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था वो, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उससे मिली होगी और आपने लाइक भी किया होगा उस लेक्चर को। यकीनन आपने थम्स अप देके अपना लाइक भी शेयर किया होगा। आज हम अपने लेक्चर में इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिस्कस करेंगे, यानी हमारा मज़हब ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या कहता है। ह्यूमन राइट्स, हमारा मज़हब जो है इस्लाम है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें कहते रहे और वो तमाम अमल करके दिखाया। तो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स, किस के क्या हकूक़ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह के नज़दीक तमाम इंसान बराबर हैं, अमीर और गरीब बराबर हैं, मैन एंड वुमेन बराबर हैं, और जो आपका किसी भी जगह का कोई ओनर है या उसका एम्प्लॉई है वो सब अल्लाह के नज़दीक बराबर है। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई इम्पोर्टेंट है या दर्जे में ऊपर है तो वो जो तकवा पे है, यानी तकवा हो, अल्लाह से डरता हो और नेक अमाल करता हो, तो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ वो आला दर्जे पे या ऊपर है बाकी लोगों से। अदरवाइज तमाम लोग अल्लाह के नज़दीक सब बराबर हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी यानी टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इन्हीं राइट्स के बारे में बताती है। जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिसे हम कहते हैं खुतबे हज्जतुल विदा, वो ह्यूमन राइट्स की हाइट है, यानी जो बातें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 इयर्स पहले कही थी वो ऑलमोस्ट 1400 इयर्स के बाद यूनाइटेड नेशन के 14 कंट्रीज ने एक यूनाइटेड यूनानिमस डिक्लेरेशन एक अनाउंस किया जो ऑलमोस्ट खुतबा हजरतुल वदा पे मबनी है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 इयर्स पहले कही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये ह्यूमन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हमें बताया वो क्या था, जिसे हम क्या कहते हैं, खुतबा हजरतुल वदा, और ये 9 ज़िलहज को दिया गया और औराना वैली यानी माउंट अराफात पे जब आखिरी हज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया उसके बाद लोगों से जो है वो एड्रेस किया, और वो एड्रेस यूनाइटेड नेशन या ह्यूमन राइट्स की हाइट है, यानी उसमें कोई ऐसा पहलू को छोड़ा नहीं जो कि ह्यूमन राइट्स को डिस्कस ना करता हो, एड्रेस ना करता हो। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं, सबको अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए और तमाम इंसान बराबर हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि अल्लाह के नज़दीक जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा आला दर्जे पे वो कौन है, जो कि तकवा पे है और नेक अमल करता है, गुड डीड्स करता है, वो अल्लाह के नज़दीक ऊपर है, अदरवाइज सब बराबर हैं। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान पे प्रायोरिटी नहीं, इवन किसी अरब को किसी अजम पे, यानी अरब्स को किसी भी नॉन अरब पे कोई प्रायोरिटी नहीं है, इवन किसी काले को किसी गोरे पे कोई प्रायोरिटी नहीं है। कोई ये समझे कि अरब्स में क्योंकि इस्लाम सबसे पहले आया, कुरान अरबी ज़बान में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सरजमीन के हैं, तो अरब्स को कोई प्रायोरिटी है बाकी नॉन अरब्स पे या बाकी दुनिया के लोगों पे या बाकी दुनिया के मुसलमानों पे, तो ऐसा नहीं है। या कोई गोरा ये समझे कि काला तो बहुत बड़ा हेटनेस है, बड़ा ही ख़राब होता है, दिखने में बहुत
बुरा लगता है तो गोरे को जो है, वाइट पीपल को उस पर कोई प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नज़दीक कौन इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी किसको है, जो नेक अमल करता है, गुड डीड्स करता है, तकवा पे, जिसको अल्लाह का खौफ है, बस अल्लाह के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा अहम है। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान की जान किसी दूसरे मुसलमान पे हराम कर दी, कोई किसी का नाजायज़ कत्ल नहीं कर सकता, हराम कर दी, किसी का खून नहीं बहा सकता, हराम कर दिया किसी भी दूसरे, अनलेस अंटिल उसको स्टेट या कोई पनिश के तौर पे उसको जो है इस तरह की कोई सज़ा दी जाए, अदरवाइज कोई किसी भी इंसान को जो है वो कत्ल नहीं कर सकता, उसका जो है उसको अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया। इसके बाद सूद को हराम कर दिया गया, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटी पैदा करती है, गरीब को गरीब, अमीर को अमीर पैदा कर बना देती, इसलिए इंटरेस्ट को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया और कहा जो भी इंटरेस्ट लेगा वो अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए। इतना सख्ती से इस इनजस्टिस, सोसाइटी की जो इनजस्टिस है, स्पेशली जो वेल्थ की जो सर्कुलेशन है उसमें बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ी करती है पूरी दुनिया में, लिहाजा अल्लाह ताला ने सख्त तरीन अल्फाज में इंटरेस्ट लेने को मना किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने, इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी भी वुमेन को किसी मैन पे कोई प्रायोरिटी नहीं है और ना ही किसी मैन को किसी वुमेन पे प्रायोरिटी है, सब आपस में बराबर है। इवन बहुत सम टाइम उसके साथ अच्छा एटीट्यूड, अच्छा बर्ताव करने के लिए कहा गया मर्दों को। इसी तरह स्लेवरी जो कि आज के दिनों में ख़त्म की गई, कुछ सौ साल पहले जो है वो यूनाइटेड स्टेट में लॉ पास किया गया स्लेवरी के अगेंस्ट में, बैन किया गया, यूनाइटेड नेशन के चार्टर और डिमांड जो ह्यूमन राइट्स है उसमें उसको बैन किया गया और कहा गया कि तमाम लोग जो है वो फ्री हैं, आज़ाद हैं। और इस बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 ईयर्स पहले बताया और करके बताया। अल्लाह ने फरमाया कि आज से स्लेवरी जो है वो बैंड है और किसी भी सूरत में इस पे अमल नहीं किया जा सकता, और क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है लिहाजा कोई किसी को ग़ुलाम नहीं बना सकता, स्लेव नहीं बना सकता। तो ये बात कितने 1400 ईयर्स पहले कह दी गई थी। इसी तरह जब हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को देखते हैं और उससे कंपेयर करते हैं खुतबा हजरत अलविदा या लास्ट सरमन को, तो ऑलमोस्ट यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट का चार्टर है उसमें तमाम वो बातें लिखी हुई हैं, वही बातें लिखी हुई हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा का पूरा खुतबा हजरत अलविदा एज इट इज़ लिख दिया गया है। इससे पता चलता है कि खुतबा हजरत अलविदा ह्यूमन राइट्स चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की हाइट है, इतना ब्रीफ और प्रिसाइज और चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट आज तक कभी नहीं दिया गया ना ही पेश किया गया, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 ईयर्स पहले तमाम ह्यूमैनिटी की फेवर में दिया। आज वो कहते हैं ये हमने इसको राइट किया, हमने उसको जो थिंक टैंक ने उसको सोचा और फिर लिखा, बट ये तमाम बातें आज से 1400 ईयर्स पहले कह दी गई थी। ये और भी बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है ह्यूमन राइट्स की जो कि खुतबा हजरत अलविदा में किया, वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं दे सकते, लेकिन इसकी कुछ एलाबोरेशन है जो कि डिफरेंट राइट्स हैं, नेबर्स राइट्स हैं, रिलेटिव के राइट्स हैं, पुअर के राइट्स हैं, इवन एनिमल के राइट्स हैं, ये तमाम राइट्स हम आगे अपने इसी लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे।